सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं और ये आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक साथी उस टेस्ट में 60% मार्क्स ले आएंगे, उनको ही निष्ठा की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो साथियों, जरूरी है जितने भी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से करें, इसके साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते हुए चलें। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 13 स्कूल नेतृत्व अवधारणा और अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ को आप किस तरह से इस वीडियो की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण नोट्स आपके आगामी आकलन परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको बनाया है हमारे राकेश गुप्ता जी ने, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। बहुत ही मेहनती टीचर हैं और बहुत ही सुंदर नोट्स वे बनाते हैं उनकी अपनी राइटिंग में और बहुत मेहनत करते हैं। साथियों, इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के नोट्स इन्होंने बनाए हैं, स्कूल नेतृत्व अवधारणा और अनुप्रयोग। देखिए कितने सुंदर नोट्स हैं, यानी कि लीडर कैसा होना चाहिए, एम्पावर, एनकरेजेस, वैल्यूज और विजन, उसमें सब चीज होनी चाहिए एक लीडर में। इसके बाद इन्होंने दिखाया है वर्क प्लेस कल्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एजाइल वर्कशीट, क्रिएटिव, ये सब चीज इन्होंने दिखाया है कि क्या क्या एक लीडर के अंदर होना चाहिए। तो ये राकेश गुप्ता जी जो है बूढ़ा मंदसौर में है, सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है और काफी सुंदर नोट्स बनाते हैं। नेतृत्व अवधारणा और अनुप्रयोग के इन्होंने बहुत सुंदर नोट्स आपके बनाए हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के नोट्स हैं। वीडियो के दौरान ही मैं इसका एक पासवर्ड आपको बताऊंगा, जिस पासवर्ड की मदद से, क्योंकि मैंने इसकी पीडीएफ को गूगल ड्राइव पे डाल देता हूं, क्योंकि सभी नोट्स मैं अपने पास नहीं रख सकता, मुझे डिलीट करने होते हैं फोन मेमोरी की वजह से, तो मैं गूगल ड्राइव पे पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके इसको डाल देता हूं। वीडियो के दौरान ही मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा, उस पासवर्ड की मदद से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स 13, मैंने इस मॉड्यूल से क्या नया सीखा, आपदा की स्थिति में नेतृत्व कैसे करना, छात्र अधिगम में विद्यालय नेतृत्व का महत्व, विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण कैसा हो, प्रशासक, प्रबंधक, नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करने में अंतर है, ICT शिक्षा संबंधी पहल और उपयोग। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इसको मैं अपनी शाला में कैसे प्रयोग करूंगा, शाला से हमारा मतलब है हमारे स्कूल में हम इसको किस तरह से लागू करेंगे। आपदा की विशेष परिस्थितियों में माता पिता, पालक और समुदाय की सहभागिता से पढ़ाई को निरंतर रखूंगा, बच्चों को पूरी तरह से समुदाय के सहयोग से एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में महत्व बताकर नेतृत्वकर्ता के गुण विकसित करूंगा, मॉड्यूल में आए 7 क्षेत्रों का पूरा अमल करूंगा, तीनों भूमिका के महत्व को समझकर जहां जैसी भूमिका निभाना वैसी भूमिका का पूरा प्रयास करूंगा, आपदा की विशेष परिस्थितियों में ICT का बेहतर उपयोग कर शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद शुरू होता है हमारा मॉड्यूल 13, विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग। सबसे पहले इसके उद्देश्य है अध्यापक एवं विद्यालय प्रमुख से जुड़ी हुई बहु भूमिकाएं व दायित्वों के साथ साथ अध्यापक नेतृत्व और विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझने और विकसित करने में। नंबर 2, विद्यालयों में छात्र अधिगम और गुणवत्ता सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व विकसित करने में। नंबर 3, छात्र अधिगम के अनुकूल सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के निर्माण के माध्यम से विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में। उसके बाद आती है हमारी सामग्री की रूपरेखा, क्या क्या इसमें सामग्री दी हुई है, विद्यालय नेतृत्व एक संकल्पना, छात्र अधिगम में विद्यालय नेतृत्व का महत्व, नंबर 3, छात्र अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व, नंबर 4, विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास, और नंबर 5, विद्यालय के विशेष संदर्भ में विद्यालय विकास योजना। आइए जानते हैं विद्यालय नेतृत्व कैसा, क्यों और क्या।
कैसे? सबसे पहले बात आती है कैसा विद्यालय नेतृत्व आपका होना चाहिए। नंबर एक, अकादमिक नेतृत्व। विद्यालय में अकादमिक एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का रूपांतरण, अकादमिक पर्यवेक्षण बनाना एवं अध्यापकों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना। नंबर दो, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करना। इसमें आ जाएगा आपका चिंतनशील अभ्यासकर्ता बनना, विद्यालय में दल अधिगम को बढ़ावा देना। नंबर तीन है संदर्भ विशिष्ट विद्यालय विकास योजना बनाना। और नंबर चार है विद्यालय में ICT पहल का नेतृत्व। उसके बाद विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग की प्रस्तावना। विद्यालय प्रमुखों की प्रमुख भूमिका महत्वपूर्ण है, जो कि विद्यालयों के शिक्षण अधिगम संबंधी परिणामों में सुधार हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विद्यालय के विशिष्ट संदर्भ में एक साझा दृष्टिकोण विकसित करता है एवं अपनी पूरी टीम को आने वाली चुनौतियों का सामना कर उनका हल निकालने के लिए भी तैयार करता है। विद्यालय प्रमुख की अनेक भूमिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का नेतृत्व करना है। विद्यालय में आने वाला प्रत्येक बच्चा अपने साथ ज्ञान, भाषा एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर आता है। ऐसे में विद्यालय में एक मित्रतापूर्ण वातावरण बनाकर सकारात्मक अधिगम संस्कृति का विकास भी करना होता होगा। नंबर एक, विद्यालय नेतृत्व की संकल्पना और उनकी समझ। नंबर दो, आपदा की स्थिति में विद्यालय नेतृत्व। नंबर तीन, छात्र अधिगम अभिवृद्धि में विद्यालय नेतृत्व का महत्व। नंबर चार, विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास। नंबर पाँच, संदर्भ आधारित विद्यालय विकास योजना। यह सभी एक सशक्त विद्यालय नेतृत्व के कुछ महत्वपूर्ण मानक हैं। COVID-19 के संकट काल में मोबाइल फोन, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य संचार माध्यमों के द्वारा आपने शिक्षकों और छात्रों के संपर्क में रहना, शाला प्रबंध समिति को सूचनाओं का माध्यम बनाकर इन कठिन काल में विद्यालय का हिस्सा बनाए रखना, बच्चों को भयमुक्त आनंददायी वातावरण में सीखने सिखाने की गति को बनाए रखना। अब आती है विद्यालय विकास के मुख्य क्षेत्र क्या क्या हैं। तो विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण में क्या क्या आएगा आपका? एक तो साझेदारी का नेतृत्व, नवाचारों का नेतृत्व, विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व और इसके साथ साथ स्वयं का विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दल का निर्माण एवं नेतृत्व। ये आपके विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण। साथियों, आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF को मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF को खोलने के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत होगी, हम इसका पासवर्ड डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारा कोर्स जो है वो 13 है, तो इसका पासवर्ड होगा कोर्स 13, CourseE13 @gupta जी ने बनाई है, तो गुप्ता जी नाम लिख देते हैं, GUPTA गुप्ता JIG, यानी Course13@gupta.gov। इस पासवर्ड की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता है विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण। विद्यालय प्रमुख एवं अध्यापकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। विद्यालय के संबंध में एक अवधारणात्मक समझ बनाती है। इसे परिकल्पना जो बच्चों की वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करे, साथ ही निरंतर प्रयोगों एवं परिवर्तनों को बढ़ावा दे। नंबर दो, स्वयं का विकास। इस भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्षमताओं, दृष्टिकोण और मूल्यों के संबंध में स्वयं अध्यापकों, स्टाफ एवं छात्रों में एक सकारात्मक आत्म अवधारणा विकसित करना। नंबर तीन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण। विद्यालय की कक्षाओं की प्रक्रिया को और अधिक बाल केंद्रित बनाकर शिक्षण अधिगम को अन्वेषण एवं सृजनात्मकता के माध्यम से रूपांतरित करता है। नंबर चार, दल बनाना एवं दल का नेतृत्व करना। दल के रूप में काम करने से न केवल विद्यालय के कार्य बेहतर ढंग से होते हैं, बल्कि विचारों के आदान प्रदान और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तरीकों को सीखते हुए दल के प्रत्येक सदस्य की क्षमताओं और कौशलों का विकास भी होता है। नंबर पाँच, नवाचारों का नेतृत्व। नवाचारों व्यक्तियों में जोखिम लेने और चिंतनशील और दृढ़ता के साथ काम करने, आत्मविश्वास के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नंबर छः, साझेदारी का नेतृत्व। बच्चों की सामाजिक व भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है और बच्चे जुड़ पाते हैं और बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। स्थानीय समुदाय के साथ भागीदारी निर्मित करने में मदद करता है। नंबर आठ, विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व। भौतिक एवं मानव संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र के संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रयोग के विभिन्न आयामों के बारे में बताता है। ये सातों क्षेत्र अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुख के ज्ञान, कौशल और सकारात्मक अभिवृद्धि के विकास में योगदान करते हैं। आपदा की स्थिति में नेतृत्व। जिस तरह से आपदा आ जाती है तो उसमें किस तरह से नेतृत्व करना है, आपदा की स्थिति में विद्यालय नेतृत्व का कार्य अधिक नवाचार और जिम्मेदारी हो जाती है। COVID-19 के इन मुश्किल दिनों में पठन पाठन की प्रक्रिया झटके में बदल गई। आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया ऑनलाइन अधिगम में बदल गई। आपदा प्रबंधन के लिए अध्यापकों, विद्यालय प्रमुखों में क्या गुण होने चाहिए? एक तो आपका सकारात्मक सोच,
नवाचारी सोच, रचनात्मक विचारों को मूर्त रूप देना, अभिभावक और समुदाय से समुचित सहयोग लेना, प्रतिरोध क्षमता एवं लचीलापन, संचार माध्यम का कौशल प्राप्त करने का प्रयास, गूगल मीट, जूम एप्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम का प्रयोग करना, अभिभावकों और समुदाय के महत्वपूर्ण लोगों से संवाद विकसित करना, प्रत्येक विद्यार्थी से फोन या व्यक्तिगत संपर्क करना, अभिभावकों को स्वास्थ्य संबंधी निर्देश बताना, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से आश्वस्त करते रहना कि इस कठिन परिस्थिति में पढ़ाई निरंतर रहेगी, दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनना, नवाचारी तरीके से सीखना सिखाने की प्रक्रिया जारी रखना, शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संसाधन शेयर करना, नवीन सहायक सामग्री का निर्माण करना, सीखने सिखाने के वातावरण को भयमुक्त आनंददायी बनाना। उसके बाद बात करते हैं विद्यालय नेतृत्व यानी कि एक अवधारणा। लीडर बाय पोजीशन है तो एक प्रशासक की तरह काम करेंगे। विद्यालय निविधि रूप से चले यह सुनिश्चित करना आपकी भूमिका प्रमुख होगी। प्रशासनिक एवं वित्तीय रिकॉर्ड बनाना आप मुख्य कार्य होंगे। विद्यालय नेतृत्वकर्ता के साथ साथ अपने व्यवहार में भी नेतृत्वकर्ता है। लीडर बाय एक्शन, तब प्रशासनिक एवं प्रबंधन की आवश्यकताओं से बाहर जाकर आत्मविश्वासपूर्ण हल कर पाएंगे। लीडर बाय एक्शन में सहयोगी और छात्रों के साथ मिलकर साझे विजन का निर्माण करना, चुनौतियों व समस्याओं का रचनात्मक तरीके से हल खोजना, सभी शिक्षकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और प्रत्येक बच्चे की देखभाल करना, वर्तमान परिस्थितियों में निम्न मापदंडों पर विश्लेषण करना, नंबर एक भौतिक संसाधन, नंबर दो शिक्षकों की प्रभावोत्पादकता, नंबर तीन छात्रों का अधिगम स्तर, नंबर चार छात्रों की अधिगम आवश्यकताओं, उनकी पृष्ठभूमि एवं क्षमताओं को समझना, नंबर पांच विद्यालय के समुदाय की विशेषताओं एवं अभिभावकों की समझ। लीडर बाय एक्शन के गुणों का सिंहावलोकन। तो लीडर बाय एक्शन कैसा होना चाहिए? पहलकर्ता, स्वप्रेरित होना, अभिप्रेरित करता, आत्मविश्वासी, साथी अध्यापकों और विद्यालय के अन्य भागीदारों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, कौशल के क्षेत्र में संवाद, निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं का समाधान, आईसीटी संबंधी दक्षता हासिल करना, अकादमिक नेतृत्वकर्ता और विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने के बारे में और अधिक जानेंगे, यह भरोसा रखना कि हर बच्चा सीख सकता है और हर शिक्षक स्वयं का व्यावसायिक विकास कर सकता है। उसके बाद विद्यालय नेतृत्व संकल्पना। कक्षा, कक्ष व्यवस्था, प्रशासन, प्रबंधन और शिक्षण से दूर जाकर सोचना होगा, नई चुनौतियों को पहचानने, कक्षा, कक्ष तथा विद्यालय में सकारात्मकता के लिए उनके नवाचारी हल ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बाद स्वयं एवं प्रेरणा। एक नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं की समझ अत्यंत आवश्यक है। अपने अंदर व्यवहार बदलाव लाने के लिए सक्षम बनते हैं, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, अभिरुचियों एवं क्रियाओं पर विचार विमर्श, प्रश्न एवं पुनर्विचार कर सकते हैं, जो कि एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के गुण क्या होंगे? पहला गुण होगा पहल करना, दूसरा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, तीसरा स्वप्रेरित होना और चौथा नेतृत्व लाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। उसके बाद बात करते हैं नेतृत्व की परिभाषा। पावर, ऑथोरिटी, इन्फ्लुएंस। पावर का मतलब शक्ति, पुरस्कार और दंड के हथकंडों को अपनाकर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता का ही दूसरा नाम शक्ति है। दूसरा प्राधिकार यानी कि ऑथोरिटी, किसी वैधानिक नियम से मिला अधिकार है। तीसरा प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस, पुरस्कार, दंड अथवा प्राधिकार के उपायों के बिना अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव लाने की क्षमता है, इनमें सबसे उपयुक्त तरीका है। बिना प्राधिकार के दूसरों को प्रभावित कर पाना और पुरस्कार और दंड के बिना विश्वास का वातावरण बनाए रखना। तो साथियों बहुत सुंदर नोट्स इन्होंने बनाए हैं गुप्ता जी ने, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं पासवर्ड आपको एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ, इसका पासवर्ड होगा हमारा कोर्स 13, COURSE कोर्स 13 @gupta_ji, GUPTA गुप्ता JIG। उसके बाद प्रभाव से ऊपर नेतृत्व की ओर। विद्यालय में अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, प्रशासन की तरह संगठन के दायित्व को देखना पड़ता है। एक प्रशासक प्रबंधक अथवा नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करने में अंतर है। प्रशासक का मतलब नियमों और विनियमों का अनुपालन, प्रबंधक का मतलब कार्यों व रिश्तों को बनाए रखना और नेतृत्वकर्ता का मतलब विजन के तहत कार्य करना। चित्र में देखेंगे जैसे जैसे काम का क्षेत्र बड़ा होता जाता है वैसे वैसे काम की प्रकृति बदलती जाती है। कार्यों को नियमों विनियमों के भीतर कार्य करते हैं तब प्रशासनिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं, यानी जब नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। इसका दायरा संकीर्ण होता है, अपने निर्णय लेने के कौशल पर निर्भर नहीं होते। अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं तो विस्तारित सीमाओं के साथ एक प्रबंधक प्रबंधन की भूमिका में होते हैं, जो प्रशासक की तुलना में थोड़ा बेहतर है।
और नेतृत्वकर्ता की भूमिका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। नेतृत्वकर्ता की भूमिका स्पष्ट विजन और दूरदृष्टि होती है, मानवीय संबंधों को प्रोत्साहित करता है, नेतृत्वकर्ता सहकर्मी को प्रेरित करता है, सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण करता है। अब बात करते हैं समेकन विद्यालय नेतृत्व का। विद्यालय नेतृत्व का अर्थ स्वयं अथवा अन्य हितधारकों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। विद्यालय परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन लाना और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। समेकन अध्यापक नेतृत्व। अध्यापक नेतृत्व निरंतर ज्ञान कौशलों एवं अभिवृद्धि का विस्तार होता है। नवाचारों की पहल करने के साथ साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को नई तकनीकी ज्ञान की जांच पड़ताल करना, चिंतनशील अभ्यासकर्ता, विद्यालय के भीतर व बाहर सीखने सिखाने का वातावरण बनाना। नेक्स्ट आता है छात्र अधिगम में विद्यालय नेतृत्व का महत्व। अध्यापकों का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। बच्चों को ही केंद्र में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सर्जित और पुनर्सर्जित करता है। प्रभावी शिक्षण के लिए नंबर एक वातावरण का निर्माण करता है, नंबर दो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराता है, नंबर तीन अधिगम संस्कृति विकसित करता है। बच्चों के सफलतापूर्वक सिखाने के विजन के साथ अन्य लोगों में भी नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। साक्ष्य और डेटा के आधार पर छात्र अधिगम की प्रक्रिया अपनाते हैं। सीधा प्रभाव। सीधे प्रभाव से आशय यह है कि विद्यालय नेतृत्व छात्र अधिगम को सीधा प्रभावित करता है। विद्यालय नेतृत्वकर्ता का कार्य पूरे विद्यालय के वातावरण को छात्र अधिगम के अनुकूल सुनिश्चित करता है। विद्यालय नेतृत्व यानी कि विद्यार्थी अधिगम पे प्रभाव पड़ेगा। मध्यस्थ प्रभाव व्यावसायिक कौशल विकास के द्वारा छात्र अधिगम को प्रभावित करते हैं। अध्यापकों को अकादमिक सहयोग देकर छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सहयोगात्मक कार्य योजना बनाकर परामर्शदाता के रूप में भी। तो विद्यालय नेतृत्व में शिक्षक विकास और विद्यार्थी अधिगम। उसके बाद पारंपरिक प्रभाव। विद्यालय प्रमुख शिक्षण कार्य में स्वयं संलग्न होकर अथवा अध्यापकों के व्यावसायिक एवं भावनात्मक उन्नयन के द्वारा छात्रों के अधिगम स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। छात्र अधिगम में विद्यालय नेतृत्व का महत्व। छात्र अधिगम स्तर अध्यापक एवं नेतृत्वकर्ता के अभ्यास को बेहतर करने में योगदान देता है। इससे विद्यालय नेतृत्व एवं अध्यापक नेतृत्व दोनों को मजबूती प्रदान होती है। तो विद्यालय नेतृत्व से विद्यार्थी अधिगम और विद्यालय नेतृत्व शिक्षण विकास और विद्यार्थी अधिगम यानी कि पारस्परिक इनका आपस में प्रभाव पड़ता है। अकादमिक नेतृत्व को समर्थन करने के लिए नए क्षेत्रों की खोज या अन्वेषण या आपने गतिविधि भी की होगी तो इसमें अकादमिक नेतृत्व में आप अधिगम केंद्रित समतापरक एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना इसको आप देखेंगे। अकादमिक तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी संकल्पनाएं और अनुप्रयोग, अकादमिक पर्यवेक्षण संबंधी संकल्पनाएं और अनुप्रयोग, तो इन्हें आप प्लस के साइन आपको दिखेंगे उससे आप क्लिक करके इनको देख सकते हैं। विद्यालय की समस्त अकादमिक प्रक्रियाओं की रचना करना, अधिगम सिद्धांतों पर आधारित अधिगम प्रक्रियाओं की रचना करना, तो ये आपका बेहतर तरीके से उसमें आप देख सकते हैं। विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास। साथियों काफ़ी सुंदर PDF है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं तीसरी बार इसका पासवर्ड बता रहा हूँ। इसका पासवर्ड होगा Course 13, CoURSE Course13@gupta.gov। इसे आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास। विद्यालय की प्रत्येक इकाई यानी कि शिक्षक विद्यार्थी समुदाय के लिए सीखने के अवसरों का सृजन करना। नंबर दो विषय वस्तु एवं सीखने सिखाने की तकनीकी ज्ञान और कौशल में निरंतर अभिवृद्धि करना। नंबर तीन विद्यालय को अधिगम केंद्रित संस्थान में बदलना। नंबर चार चिंतनशील अभ्यासकर्ता बनना। नंबर पाँच विद्यार्थियों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए दल अधिगम एवं एक दूसरे से सीखने सिखाने के अवसरों का निर्माण करना। और नंबर छः नवाचारों का स्वागत करना। और नंबर सात व्यावसायिक प्रशिक्षण समूह का निर्माण और विकास करना। दल अधिगम हेतु स्टाफ मीटिंग का प्रयोग। इसमें क्या क्या आएगा? नंबर एक नवाचार, जिसे अध्यापक अपनी कक्षा में पठन पाठन प्रक्रियाओं में प्रयोग कर रहे हों। नंबर दो विद्यालय एवं कक्षा में प्रयोग होने वाली आकलन की प्रक्रिया। और नंबर तीन छात्रों के अधिगम संबंधी परिणाम। संदर्भ आधारित विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना एक ऐसी योजना है जिसमें एक निश्चित अवधि में विद्यालय द्वारा निर्धारित वांछित प्रतिफलों को प्राप्त करने हेतु एक विजन, लक्ष्य, उद्देश्य एवं रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। विजन में भविष्य के लक्ष्यों पर चिंतन और विचार होना, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना। एक निश्चित अवधि 3 या 5 वर्ष हो सकती है। विद्यालय विकास योजना के 3 स्तर होते हैं, योजना, क्रियान्वयन और अनुश्रवण। मूल्यांकन 5 चरणों में पूरा किया जाता है। नंबर एक समितियों या दलों का गठन, दूसरा बेसलाइन डेटा, तीसरा विजन निर्माण, चौथा आपका प्राथमिकताओं का निर्धारण, पांचवा आपका लक्ष्य एवं उद्देश्य और छठा आपका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र। विद्यालय शिक्षा में ICT संबंधी पहल।
प्रत्येक विद्यालय शिक्षक एवं विद्यालय प्रमुख की विभिन्न योग्यताएं होती हैं। इनका प्रयोग उपयोग कार्य करके योजना बनाने, संचालन करने, प्रबंधन के मुद्दों को, समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। विषय वस्तु, प्रकृति, उपलब्ध संसाधनों की उपलब्धता, भाषा एवं भौगोलिक विविधता से संबंधित चुनौतियाँ होती हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ICT शिक्षण अधिगम वातावरण की बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डिजिटल जानकारी बनाने कुशलतापूर्वक प्रयोग करने से है। इसके साथ साथ ये देखिए, बहुत सुंदर इन्होंने ये गतिविधि आपके सामने आई भी थी कि ई पाठशाला, NIOS, शाला सिद्धि, इस तरह से इन पर क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर नोट्स हैं, इनको आप इसमें से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद सारांश है, सारांश में इसमें टोटल डिटेल में आपका बताया गया है। तो साथियों, काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए हैं हमारे राकेश गुप्ता जी ने, इसके लिए राकेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, PDF को अपने पास सुरक्षित रखिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।